हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। माई सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको क्या कराया था। इन माई लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको टॉर्क। क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मेरा जो टॉपिक था वो क्या था? टॉर्क था। क्या था मेरे पास में बेटा? टॉर्क, जिसको मैंने नाम दिया था मूवमेंट फोर्स। क्या क्या था मैंने इसको? मूवमेंट फोर्स। ठीक है, मूवमेंट फोर्स। तो ये इसको टाओ से रिप्रेजेंट करते थे, इसको कहते थे आर क्रॉस एफ, दिस इज द फॉर्मूला। तो टाओ इज इक्वल टू आर क्रॉस, इसको हम अगर स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो आर एफ क्या था हमारे पास में? साइन थीटा एन कैप। और एन कैप क्या था हमारे पास में? वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। क्या था? यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस केस में हमारे पास में ये रहेगा। और अगर इसको इन मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं तो इन मैग्नीट्यूड के अंदर टाओ बराबर आर एफ क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा। ये केस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये हमारे पास में रहता है। सेकेंड केस में मैंने पढ़ाया था आपको एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ाया था? एंगुलर मोमेंटम। क्या था हमारे पास में? एंगुलर मोमेंटम था, जो आपने देखा होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसको कैपिटल एल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एल जो हमारे पास में था। और इसको कहते थे आर क्रॉस पी। ठीक है, और कैपिटल एल हमने कह दिया आर पी क्या था? साइन थीटा एन कैप। और L अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहूँ आर पी साइन थीटा, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों केस बिल्कुल आपको सिमिलर दिखाएं। फिर मैंने आपको कराया था, रिलेशन कराया था कि टाओ हमारे पास में क्या रहता है? टाओ इज इक्वल टू रहता है डी एल ओवर में डी टी। ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था, डी एल ओवर में डी टी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये हमारे पास में है टाओ इज इक्वल टू डी एल ओवर में डी टी, तो अगर और मैंने आपको कराया था एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, तो मैंने कहा था इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, तो इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क मतलब टाओ जीरो, तो हमारे पास में क्या आ जाता था? एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मेरा लास्ट टॉपिक था कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। किस क्या कहा था मैंने? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। और मैं एक बात और कहना चाह रहा था थर्ड केस में, अगर मैं कह रहा था एल इज इक्वल टू एम वी आर, ये हमारे पास में क्या? एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है। एम क्या था हमारे पास में? मास था। वी क्या थी हमारे पास में? लीनियर वेलोसिटी थी, वेलोसिटी। और आर क्या थी हमारे पास में? रेडियस। क्या थी? रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारी चीज एल इज इक्वल टू एम वी आर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। और एक चीज और याद रखने ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है? टू पाई न्यू। ओमेगा क्या रहती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी। और न्यू क्या चीज है? न्यू हमारे पास में फ्रिक्वेंसी है। क्या चीज है? फ्रिक्वेंसी। और न्यू किसके बराबर होता है? वन ओवर में टी। न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मीन्स द फ्रिक्वेंसी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन वन सेकेंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई ओवर में टी इज अ रिलेशन। ये सारे चीज आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए सारे, जिनसे हमें प्रॉब्लम सोल्व करने में आसानी होती है। तो ये सारी चीज मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। लेकिन अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं वो पढ़ाऊंगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने से पहले मुझे आपको बताना होगा इनर्शिया क्या चीज है। क्या चीज है? इनर्शिया क्या चीज है? तो वहां पर आपने सबसे पहले न्यूटन्स लॉ को पढ़ा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये कहती है कि कोई भी बॉडी जब तक मोशन में रहेगी या रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई
बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसने दिया था, ये आइज़क न्यूटन ने इसको क्या किया था, हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ प्रोवाइड कराया था। लेकिन अब मैं बात करता हूँ आपसे इनर्शिया की, तब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जाऊँगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से निकल के आया, इनर्शिया से निकल के आया है। तो अब मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक है वो है इनर्शिया। इनर्शिया इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। देखिए, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन बाई इट्स सेल्फ, ठीक है। एक ऐसे अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन बाई इट्स सेल्फ, तो इसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं इनर्शिया। ये है अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन बाई इट्स सेल्फ, ठीक है, बाई इट्स सेल्फ, ठीक है। तो ये कहता है अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन बाई इट्स सेल्फ, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अपने आप में अपनी स्थिति चेंज नहीं कर सकती। देन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज क्या बोलेंगे हम, इनर्शिया। ये चीज है, ठीक है, क्या हो गया, इनर्शिया। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में इनर्शिया आ गया, ये हमारे पास में इनर्शिया की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। और एक और इसकी डेफिनेशन हो जाती है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज या रजिस्ट, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं, इनर्शिया। लेकिन आपने देखा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंटेन दिस प्रॉपर्टी, नोट में लिखवा रहा हूं मैं जिससे आपको याद रहे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, चलो वैसे लिखते हैं, फर्स्ट लॉ कंटेन्स दिस प्रॉपर्टी, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रख लेना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। आ गया इनर्शिया का बिल्कुल पार्ट, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बात करता हूँ आपसे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, किसकी मैं बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास में क्या है, तीन तरीके के इनर्शिया होते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इधर लिखते हैं, यहाँ आपको समझता है, बताते हैं कितने तरीके के इनर्शिया होते हैं। ये आपने पढ़ा भी है लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया
इनर्सिया। तो ये हमारे पास में टाइप्स हो गया, दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्सिया। सबसे पहले हमारे पास में आएगा क्या है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। सेकंड केस पर आएगा इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ मोशन। और थर्ड है हमारे पास में इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्सिया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन तरीके के आपने इनर्सिया पढ़ लिए हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर इसी के अंदर देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो इसकी डेफिनेशन मैं इस ब्रैकेट के ही अंदर आपके साथ में लिख देता हूँ। ये इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या थी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था, दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया। ठीक है, लेकिन मैं यहां से ही लिखते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या रहेगा, रेस्ट, एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये हमारे पास में इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं इस वाले की डेफिनेशन की, मैं बात करता हूं तो बिल्कुल सेम आप लिखोगे टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की, बिल्कुल सेम है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दीज आर द पार्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में थ्री तरीके के, मैंने आपको थ्री टाइप्स के इनर्शिया पढ़ा है। पहला क्या था आपको मैंने बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसमें रेस्ट की बात करेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें मोशन की बात करेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें उसके दिशा की बात करेगा, डायरेक्शन की बात करेगा। तो ये इस तरीके से मैंने आपको इनर्शिया पढ़ा दी है। अब मैं आपको कम टू द पॉइंट, जो हमारा मेन पॉइंट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसकी मैं बात करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करता हूँ। तो क्या है हमारे पास में, अगर मैं बात करता हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कि क्या चीज है। मूवमेंट मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज मूव करना, क्या करता है, मूव करना अराउंड अ फिक्स पॉइंट। क्या हो गया, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, कि कोई भी बॉडी जो हमारे मूव करेगी किसी फिक्स पॉइंट के, तो उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे मूव करना। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारे पास में इनर्शिया किसके उस पर मूव करता है, भाई देखिए इनर्शिया मूव करेगा, मैंने आपको पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम और मैंने आपको पढ़ाया क्या है टॉर्क। तो टॉर्क पर डिपेंड करेगा, ये क्या किस पर डिपेंड करेगा, टॉर्क पे डिपेंड करता है। तो मैं बात करता हूं आपसे डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बड़े ही सिंपल है, और अगर आपने डेफिनेशन देख लिया उससे मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, और उससे हमारे क्या रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे डिफरेंस केस के, डिस्क का हो गया, रेक्टेंगुलर स्लिट का हो गया, लेमिना का हो गया, इन सभी के केस में उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिज बॉडी, द मूमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिज बॉडी
अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस इज द डेफिनेशन द्वारा देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए हमारे पास में क्या चीज़ है कोई भी हमारे पास में एक रिज बॉडी है ये हमारे पास में कोई क्या चीज़ है एक रिज बॉडी मैंने मान ली है और ये हमारे पास में दिस इज द एक्स दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड क्या चीज़ है ये हमारे पास में थ्री एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड तो ये हमारे इस तरीके से कोई भी हमारे पास में क्या चीज़ होगी रिज बॉडी होगी और एक पॉइंट रहेगा हमारे पास में दिस इज द पॉइंट ओ मैंने इस पॉइंट पे ओरिजिन मान लिया है तो इससे हमारे पास में जो बॉडी रहेगी क्या रहेगी हमारे पास में जब बॉडी रहेगी वो इस तरीके से क्या करेगी मूव करेगी डिफरेंट डायरेक्शन में मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई पी पॉइंट है यहाँ पे पोजिशन इसकी वेलोसिटी क्या चीज़ है वी वन है और मास क्या है एम वन है तो आर वन इज द पोजीशन वेक्टर कोई हमारे पास में क्यू पॉइंट है क्यू और इस पे हमारे पास में वी टू वेलोसिटी है और एम टू क्या चीज है मास है ऐसे कोई पॉइंट हमारे पे पी क्यू आर है ये आर मैंने कह दिया इस पे एम थ्री मासेज है और ये हमारे पास में क्या रहेगा आर थ्री इज द पोजीशन वेक्टर तो ये बहुत सारी चीज है एम थ्री और ये क्या रहेगा आर थ्री पोजिशन वैक्टर और वी थ्री ये वेलोसिटी है तो ये हमारे पास में वेलोसिटी रहेगी बट एंगुलर वेलोसिटी सेम एट एवरी पार्टिकल या ईच पार्टिकल तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी तो मान लेते हैं कंसीडर अ रिड्स बॉडी ठीक है क्या कह दिया कंसीडर अ रिड्स बॉडी हैविंग मासेस एम वन एम टू एंड अप टू एम एन एंड डिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री एंड अप टू आर एन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करता हूँ किसकी मैं बात करता हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्या रहेगा एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एंड अप टू लास्ट तक कहाँ तक जाएगा एम एन आर स्क्वायर एन तक जाएगा दिस इज द केस तो ये हमारे पास में है इसको i = (i = 1 to n) क्या कह देंगे एम आई आर आई स्क्वायर दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में क्या आ जाएगा ये देखिए ये मैं रब कर देता हूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला आया है वो एक बार दोबारा सा देख लेना ये कहता है i = क्या था हमारे पास में m1 r1 square
प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, और लास्ट में लिख देंगे प्लस कहाँ तक, एम एन आर स्क्वायर एन। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, इसको समेशन फॉर्म में लिख दिया, आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये बिल्कुल सेम दे रखा होता, आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा, क्या रहेगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं बात करता हूँ इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, किसकी मैं बात करता हूँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस की मैं बात करता हूँ। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये सिंपल है बड़ा ही। देखिए क्या कहता है, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिमिलर टू द मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करता हूँ, जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन में मास का कंसेप्ट पढ़ते थे, क्या कहते थे, मास के कंसेप्ट में बता देते कि कितना ज़्यादा हमारे पास में मास है। तो इसी केस में कहता है इन ट्रांसलेशनल मोशन द मास ऑफ द बॉडी इज यूज फॉर मेजरिंग द इनर्शिया। तो हम क्या कहते थे, जब हमने बात की थी मोशन के अंदर, हम कहते थे अ बॉडी कंटेंट लार्ज मास देन द लार्ज ऑफ द इनर्शिया। तो लार्ज हमारे पास में क्या रहेगा, इनर्शिया रहेगा, क्योंकि इनर्शिया टोटली क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास के, किसके रहता है, मास के। अगर बॉडी का मास इंक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मास डिक्रीज करेगा तो क्या रहेगा हमारे पास में, इनर्शिया भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आप सुन लीजिए, क्या कहता है, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिमिलर टू द मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। इन ट्रांसलेशनल मोशन द मास ऑफ द बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, यूज फॉर मेजरिंग द इनर्शिया। जो हमारे पास में क्या है, द मास ऑफ द बॉडी क्या करता है, इज यूज फॉर मेजरिंग इनर्शिया। केवल जो मास से हम क्या कर सकते हैं, इनर्शिया के बारे में पता लगा सकते हैं। एज द मास इज इंक्रीज, हमारे पास में क्या रहेगा, मैं ये कह रहा हूं मास इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एल्सो इंक्रीज, एल्सो इंक्रीज, इंक्रीज। तो ये करेगा, तो ये रहेगा मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, इनर्शिया के, किसके रहेगा, इनर्शिया के डायरेक्ट, यस, इसकी मैं सॉरी मैं बात करता हूं, द मास इंक्रीज देन द इनर्शिया, इनर्शिया सॉरी इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो इंक्रीज। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ये कहना चाहता हूं मास इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास में इनर्शिया बिकम लार्जर, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द लीनियर एक्सेलरेशन विल आल्सो इंक्रीज। जैसे ही हमारे पास में, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं, लीनियर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, पी इज इक्वल टू एम वी, क्या रहता है, पी इज इक्वल टू एम वी। तो इसका मतलब क्या चीज़ है, अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, डी पी ओवर में डी टी, आगे सुन में, तो डी पी ओवर में डी टी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास में लीनियर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी क्या करेगा, हमारे पास में इंक्रीज करेगा। बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, अगर मैं किसकी मैं बात करता हूँ, रोटेशनल मोशन की मैं बात करता हूँ, ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं ये कहता हूँ इन द रोटेशनल मोशन ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में क्या है, ज़्यादा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल रिक्वायर्ड मोर टॉर्क। तो हमारे पास में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या करेगा, मोर टॉर्क क्या करेगा, रिक्वायर करेगा। ये सारी चीज़ आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ध्यान देख रखना कि लीनियर मोशन के अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हमारे पास में मास इंक्रीज होता है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन रोटेशनल मोशन के अंदर हमारे पास में क्या रहेगा, टॉर्क इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन द टॉर्क विल बी ग्रेटर, तो टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल क्या करेगा, हमारे पास में रिक्वायर्ड मोर टॉर्क। जो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, क्यों, रिलेशन है, रिलेशन क्या चीज है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल ओवर में डी टी,
क्या रहेगा dt. इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज इंक्रीज देन द टॉर्क इज ऑल्सो इंक्रीज. तो टॉर्क भी क्या रहेगा हमारे पास में इंक्रीज करेगा. अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर. कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? सबसे पहले वो डिपेंड करता है हमारे पास में साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी. किसकी होती है? साइज, साइज कॉमा शेप एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी पहले पॉइंट पे डिपेंड करता है. दूसरे पॉइंट पे क्या करता है? मास, मास ऑफ द बॉडी किस पे करेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल है मास इनवर्सली है. और थर्ड केस में हमारे पास में किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये करता है पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या करता है? पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या करेगा? पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन पे क्या करेगा ये डिपेंड करता है. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. फर्स्ट केस कहता है हमारे पास में साइज और शेप पे डिपेंड करेगा उस एटम की या बॉडी की. किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी पे डिपेंड करेगा. किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा. एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, तो हमारे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी क्या करेगा वो डिपेंड करेगा. बट अब मैं आपसे कहता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट. हमारे पास में इंडिपेंडेंट किस किस पे है? जिस पे वो डिपेंड नहीं करता. तो डिपेंड नहीं करता हमारे पास में ऐसे कौन कौन सी इक्वेशन है जिस पे वो हमारा क्या नहीं करेगा? डिपेंड नहीं करेगा. तो डिपेंड नहीं करेगा, यहां देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट. तो हमारे पास में यहां भी क्या है? टॉर्क की मैं बात करता हूं. किस पे? टॉर्क पे डिपेंड नहीं करेगा. और किस पे नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. क्या करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या करता है? टॉर्क करता है. ठीक है, तो ये हमारे पास में रहेगा. और क्या रहेगा? ये रहेगा एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी. वेलोसिटी थर्ड केस में क्या चीज है? एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, और हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम. ये फोर फैक्टर हैं जिन पे वो डिपेंड्स नहीं करता. इट मींस इंडिपेंडेंट. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स: टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन. इन पे ये क्या करेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा. तो इस तरीके से मैंने आपको क्या करा दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा दिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक हम आपके साथ में न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला किस तरीके से है. फिर मैं आपको एक रिलेशन कराता हूँ. ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. दिस इज माय द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या कहता है? अ बॉडी ऑफ मास. हमारे पास में बॉडी का मास है कितना है? 50 ग्राम. इज रिवॉल्विंग अराउंड एन एक्सिस इन अ सर्कुलर पाथ. एक 50 ग्राम की बॉडी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के मूव क्या कर रही है? अराउंड मूव्स कर रही है. डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 50 सेंटीमीटर. फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. आपको सबसे पहले क्या करना है सॉल्यूशन में, आपको देखिए सॉल्यूशन में आपको पता है गिवन क्या क्या है वो देखिए. आपके पास में सबसे पहले गिवन है मास. क्या चीज है? गिवन है मास ऑफ अ बॉडी. तो इसका मतलब आपको एम गिवन हो गया. एम गिवन होने का मतलब कितना है? 5 केजी, मतलब ग्राम. कितना है? ग्राम. अगर मैं इसको ये कहना चाहूँ 50 × 10⁻³ किलोग्राम, ये हमारे पास में कन्वर्टेड यूनिट होगी. ओके, क्योंकि किलोग्राम मैं आएगा, क्योंकि इसकी मैं भी डायमेंशनल फॉर्मूला और वो बताना भूल गया था, बताता हूँ इसको न्यूमेरिकल के बाद में. उसके बाद में आपको है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, चलो वैसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसका मतलब आपके पास में आर गिवन है. कितना है? 50 सेंटीमीटर. तो आर बराबर 50, ठीक है, इंटू में 10⁻²⁻ मीटर. ये हमारे पास में बिल्कुल सिंपल है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर.
तो I इज इक्वल टू m. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? दिस इज द 50 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये हो गया, इंटू में r. r की वैल्यू क्या है? 50 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो I इज इक्वल टू, ये आ गया 50 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, इसका करेंगे ये आ जाएगा 2500 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, I इज इक्वल टू 125123. तो ये 3 टाइम्स 0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, ये हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू. तो ये है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 125 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, ठीक है, इतना किलोग्राम मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ दिस. तो ये हमारे पास में इस तरीके से ये प्रॉब्लम रहेगी, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो. अब है, मैं बात कर रहा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. ये है हमारे पास में नोट, नोट नंबर 1. मैं कहता हूं एस आई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो एस आई यूनिट, आई बराबर क्या है? आई बराबर एम आर स्क्वायर. तो ये रहेगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो एस आई यूनिट ऑफ आई इज क्या रहेगी? केजी, किलोग्राम, ठीक है, मीटर स्क्वायर. क्या रहेगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो ये याद रख लेना. अगर मैं यही कहता सी जी एस सिस्टम, इन सी जी एस सिस्टम में क्या रहेगी हमारे पास में? ये रहेगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? डायमेंशनल, आप सबको आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ आई. तो डायमेंशनल फॉर्मूला आई का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए एम क्या रहेगी? एल स्क्वायर टी जीरो. तो एम एल स्क्वायर, कहीं कहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एम एल स्क्वायर टी जीरो, और कहीं कहीं आपको इस तरीके से दिखा देगा एम एल स्क्वायर, टी लगाएगा ही नहीं. तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए. तो ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस आपने इस तरीके से क्या कर लिया? पढ़ लिया है. अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक रिलेशन है, ठीक है. तो वो रिलेशन क्या है वो जरूर देखें, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और आपको आना चाहिए. आपके पास में है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एंड क्या है? मूमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या चीज है? मूमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज द रिलेशन, ठीक है. ये है हमारे पास में रिलेशन. तो इसमें देखिए कि कोई बॉडी है, रिलेशन निकालना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन है. तो आपको पता है क्या है, मैं एक मैथमेटिकल सिस्टम डिस्को कर रहा हूँ आपसे, कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक सिस्टम है, इस तरीके से कोई सिस्टम है. ये एक एक्सिस है. क्या चीज़ है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसको क्या कह दिया है मैंने? ये कह दिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या कह दिया है? रोटेशन. तो ये हमारे पास में इस तरीके से क्या चीज़ है, ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ में क्या करिए? मूव करती है. तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, ये रहे इस तरीके से, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल आर सिचुएटेड इन दिस, इन दीज रिड्स बॉडी एंड पोजिशन. दिस इज द एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ एम फोर कह देते हैं, और लास्ट में एम एन. ये है आर फोर, आर थ्री, आर टू और आर वन इज द पोजिशन वैक्टर. क्या चीज़ है? आर वन इज द पोजिशन वैक्टर. और ये इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है, मान लेते हैं लीनियर वेलोसिटी क्या चीज़ है इसकी? वी वन, वी टू, वी थ्री और क्या चीज़ है? वी फोर. वी फोर ये क्या चीज़ है हमारे पास में? इनकी लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है.
तो अगर मैं इसके मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ कंसीडर अ रिड्ज बॉडी, कंसीडर रिड्ज बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा इज फिक्स फॉर ईच पार्टिकल लेट M1, M2, M3 एंड अप टू MN आर द मासेज ऑफ द पार्टिकल्स विथ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस R1, R2 एंड अप टू RN रेस्पेक्टिवली। ये आपने मान लिया है। आपने नाउ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज, तो हमारे पास में क्या थी, हमारे पास में V1 इज द लीनियर वेलोसिटी, और आपको पता है कि अगर लीनियर वेलोसिटी का मैं ओमेगा के साथ में रिलेशन निकालता हूँ तो V इज इक्वल टू ओमेगा R रहता है। क्या रहता है? V इज इक्वल टू ओमेगा R। ओमेगा इज फिक्स फॉर ईच पार्टिकल, तो ओमेगा R1। V2 केस में निकालूंगा ओमेगा R2। V3 का केस निकालूंगा ओमेगा R3। और अगर मैं VN का केस निकाल देता हूँ ओमेगा RN। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी फॉर ईच पार्टिकल। लेकिन अब मैं बात करता हूं आपसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैं अगर निकालना चाहता हूं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो M1, वी स्क्वायर का मतलब क्या रहेगा, जैसे मान लेते हैं V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर एंड अप टू लास्ट में लिखना चाहता हूँ हाफ MN वी स्क्वायर एंड। ओके, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में M1, V1 की वैल्यू डाल दीजिए ओमेगा R1 स्क्वायर, ऐसे ही प्लस 1/2 M2 ओमेगा R2 स्क्वायर, हटा देते हैं हम यहाँ से, और लास्ट में हम लिख देते हैं आपके साथ में प्लस 1/2 MN ओमेगा R स्क्वायर N। ओके, ओमेगा इज कॉमन फॉर दिस टर्म, तो ओमेगा हमारे पास में बाहर आ जाएगा, 1/2 भी कॉमन है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ओमेगा बाई टू इज कॉमन, तो हमारे पास में क्या बचेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड अप टू प्लस MN R स्क्वायर N। ये हमारे पास में केस है। दिस, ये क्या है आपके पास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको क्या कहते हैं, I। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में, अगर मैं इसको K मान लेता हूँ, K हमारे पास में क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे पास में यह आ जाएगा 1/2 ओमेगा, और ये क्या चीज है, आई। तो ये हमारे पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यस, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या निकाला था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में रहता था M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड अप टू प्लस MN R स्क्वायर N, और ये क्या था, आई था, जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये केस हो गया हमारे पास में। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्या आएगा,
तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में के, जिसको मैंने माना है के, हमारे पास में है के, क्या आया था हमारे पास में 1/2 ओमेगा आई, ये हमारे पास में क्या आ गया, आई आ गया। फोर ओमेगा इज इक्वल टू 1 यूनिट, यूनिट ओमेगा अगर हमारे पास में 1 यूनिट होता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज आई, कितना हो जाएगी आई बाई टू, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रह जाएगा 2k, 2k मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज न्यूमेरिकली इज इक्वल टू द 2 times ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ जाता है, ठीक है भैया। अगर आपको पता है भैया k इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास में क्या रहेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप दोबारा देख लीजिए आपने क्या काम किया 2k, ठीक है। तो आज भी इस वीडियो में हमने पढ़ाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा mr², ये याद रख लेना, इससे न्यूमेरिकल लाएंगे, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रहेगा ये रिलेशन रहेगा। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेडियस ऑफ जायरेशन, और 2 थ्योरम है इसकी, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके प्रूफ कराता हूँ, और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला। इसी के साथ में ये यूनिट भी आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।